हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? सो मिलिए मेरे बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही प्यारे से, जो है भतीजे से और भतीजी साहिबा से, कि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो ये बहुत ही जो है बेचैन हो रहे होते हैं वीडियो में आने के लिए। तो आज मैंने इनको वीडियो में ले लिया है। पूछो ना कैसे हैं सब, कैसे हैं आप सब? सब कैसे हैं? सब ठीक है। चलो अब उनको बाय कह दो। ठीक है जी, तो इनको छोड़ के ठिकाने लगा के मैं आती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यस, सो आई एम बैक। और आज की वीडियो के कवर से आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। जी हाँ, तो आज मैं डीप ब्राउन जो है वो मेकअप करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने अपना ये मॉर्फी 35O2 पैलेट लिया है। और स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से आई मेकअप को। ठीक है, बेस मैंने बना लिया है, अपनी आईब्रोज बना ली हैं और उनके लिए मैंने जो कुछ भी यूज़ किया है उसकी डिस्क्रिप्शन मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी क्रीज के लिए या यहाँ पर जो एक आउटलाइन है या बेस है, वो बेस देने के लिए जो है मैं जो कलर यूज़ करूँगी वो मैं ये वाला यूज़ करूँगी, लाइट ब्राउन। ठीक है, ये वाला, और इससे मैं जल्दी से अपनी बनाऊँगी क्रीज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो मैं लाइटर से शेड से इसकी जो है वो बेस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ओवरऑल जो है वो डीप लुक देना है। तो वो जो डीप कलर है वो मैं अंदर अपना जो है वो लिट के अंदर यहाँ पर सेट करूँगी। ठीक है, ऊपर से भी इसको लाइट सी बेस देने के लिए, एंड यू कैन सी। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा डीपर शेड पर जाऊँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है वो डीप कलर लूँगी, वो ये वाला ले रही हूँ, और उसके बाद मैं अपनी इस तरह से इसको क्रीज पर थोड़ा सा सेट करूँगी। Now I'm taking this little less fluffy brush और इसके साथ में ये deeper shade जो है इसको अपनी eye lid पर जो है वो लगाने वाली हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा deep brown का हमारा जो है वो makeup है और इसे मैं अपनी eye lid पर जो है वो लगा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं ये वाला थोड़ा सा darker shade ले रही हूँ, and you can see ये थोड़ा सा darker है और मैं इसको अपनी अच्छे तरीके से lid पर लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से, and you all can see वो अब के मैं जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा ब्लैक का शेड लूंगी, और आई एम गोना पुट दिस राइट हियर, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से इसको अपने आउटर वी में मैं लगाऊंगी इस तरह से, और इसको थोड़ा सा इनसाइड जो है मैं ब्लेंड करूंगी, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, ताकि बिल्कुल अलग से रखा हुआ ना लगे। ठीक है, इस तरह से मैं अब अपना थोड़ा सा फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और इससे मैं इसको अपनी अंदर क्रीज की तरफ जो है वो शेड दूंगी। यस, आई एम बैक विद माय आईज कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इनमें कुछ एडिशनल चीज डालना चाह रही हूँ, और वो ये है कि मैं थोड़ा सा बहुत हल्का सा मामूली सा लूंगी गोल्डन कलर। ठीक है, और उससे मैं जो है वो अपनी ये वाली ब्रो को जो है हाईलाइट करूंगी। यू कैन टेक सिल्वर और गोल्डन, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो गोल्डन लेना चाह रही हूँ। तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, यू कैन सी, बहुत हल्का सा, और इस तरह से, ताकि वो सिर्फ एक जो है वो शेड आ जाएगा, और जब लाइट पड़ेगी, और अब आप ऑब्वियसली के इसको किसी पार्टी में ही वेयर करेंगे इस मेकअप को, ये थोड़ा हैवी है, तो जब लाइट पड़ेगी तो वो थोड़ा सा शाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं अपना ये नेक्स्ट स्वेयर बाय इट पैलेट ले रही हूँ, और इसमें से ये वाला जो शेड है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगाऊंगी अपने आई के इनर कॉर्नर पर। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लगाने वाली हूँ, एंड यू कैन सी। ठीक है, इस तरह से मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एनी अदर कलर सो यू कैन टेक, अगर आपको पर्पल का कोई शेड पसंद है सो यू कैन टेक पर्पल शेड। इस तरह से मैंने इसका इनर कॉर्नर बना लिया है, अगर आपको कोई और शेड पसंद हो सो यू कैन टेक दैट शेड। और इट टोटली डिपेंड्स, अगर आप ब्राउन के कॉम्बिनेशन में कोई और ड्रेस पहने हुए हैं, मतलब ब्राउन के साथ कोई और शेड जो है आपका वो टच हो रहा है, सो यू कैन अप्लाई दैट शेड ऑल्सो। अगर आपके ब्राउन के साथ आपने ऑरेंज का शेड पहना हुआ है, सो बहुत स्लाइट सा आप ऑरेंज लगा सकते हैं, बहुत बुरा है, चौकी सा ना लगे। और दूसरा, अगर आपने कोई और कलर पहना हुआ है तो यू कैन यूज़ दैट कलर ऑल्सो। अब बारी है हमारी लैशेस और लाइनर की, तो मैं लैशेस लगा कर आती हूँ एक मिनट में, और लाइनर के साथ भी लाइनर और लैशेस लगा कर आती हूँ एक मिनट में, सो जस्ट वेट देन। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग डीपर एंड डार्कर दैट आई रियली लाइक, दिस इज समथिंग लाइक स्मोकी लुक, ये कुछ स्मोकी सा है, क्योंकि जब मैंने इसको ब्लैक के साथ कॉम्बिनेट किया है तो ये थोड़ा सा जो है वो डार्क ब्लैक और ब्राउन, डार्क ब्राउन का शेड हो गया है।
और अब आ रही है कॉन्टोरिंग वगैरह की, तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने अपना ये पैलेट ले लिया है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना कॉन्टोर इट। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी मेकअप कर लें, लेकिन जब तक उसमें लाइनर नहीं लगता तो उसकी जो है वो जान नहीं आती, लिटरली। आप कोई भी मेकअप चाहे कर लें, लेकिन वो कंप्लीट तभी लगता है जब आप उस पर बहुत अच्छे से लाइनर लगाते हैं। यू कैन सी कि इस पर भी मैंने विंग्ड और बोल्ड लाइनर लगाया है थोड़ा सा, बिकॉज आई लाइक बोल्ड लाइनर एंड विंग्ड लाइनर, ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी से अपने इस वाले एरिया पे कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, बिकॉज मेरा फेस है वो थोड़ा सा स्क्वायर स्टाइल में है, स्क्वायर सा है, तो मैं इसलिए अपनी एक बोन से नीचे वाले एरिया पर इसको कर रही हूँ कॉन्टोर, ठीक है जी। और उसके बाद अब थोड़ी सी बारी हमारी नोज़ की, तो नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं नोज़ की भी हल्की सी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, और मुझे कॉन्टोरिंग अच्छी लगती है जब मैं थोड़ा सा डीपर या डार्कर लुक क्रिएट करती हूँ, तो उसके साथ मुझे कॉन्टोरिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। एंड यू कैन सी इस तरह से मैंने जो है वो कर लेनी है अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग। अगर आप चाहें आपकी नोज़ थोड़ी सी ब्रॉड हो, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस कॉन्टोरिंग, तो आपकी नोज़ जो है वो उस शेप में आ जाएगी इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए, आप नहीं करना चाहते, दैन इट्स टोटली ओके, आप ना भी करें कोई मसले की बात नहीं है। ओके जी, सो यस आई हैव कम्प्लीट माई आई लुक, और उसके बाद जो है वो जल्दी से हमारी बारी है हाईलाइटर की। सो आई एम गोना यूज़ दिस कलर एक्सप्रेस हाईलाइटर, और इसका नंबर है 11, और मैं इसको ब्राउन्स के शेड में ले रही हूँ उसको थोड़ा सा और डीपर या डार्कर लुक देने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं अपनी इस वाली बोन पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड यू कैन सी कि ये कितना ज़बरदस्त फ़ौरन से जो है वो ग्लोई इंस्टेंटली ग्लो कर देता है आपके फेस को। सॉरी फॉर द स्टंट डन। ओके, तो यू कैन सी कि ये कितना ज़बरदस्त इसने जो है मेरे फेस को इंस्टेंटली इतना अच्छा ग्लोई कर दिया है। आई लव हाईलाइटर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी हम कर लेते हैं नोज़ पे, वैसे मेरी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरी नोज़ जो है वो वैसे ही बहुत चमक रही है, ठीक है। क्यूपिड बो पे थोड़ा सा, और अब जल्दी से बारी है लिपस्टिक की, ठीक है जी। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हुदा ब्यूटी का पूरा पैलेट, और इसके अंदर है बहुत सारे शेड्स इसके अंदर है। अगेन लिपस्टिक ना गिरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी वीडियो में ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि इस तरह से है कुछ, और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और इसमें से मैं जो है वो वेयर इज माई लिपस्टिक, ओके जी। तो इसमें से मैं शेड लेने वाली हूँ ट्रेंड सेटर, ठीक है। ये ट्रेंड सेटर जो है वो शेड है वो मैं लेने लगी हूँ, और जल्दी से मैं उसको कर रही हूँ अप्लाई ऑन माई लिप्स, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा न्यूड फैमिली से है, और मैं इसको कर रही हूँ अप्लाई अपने लिप्स पर, ठीक है। इसको मैं अब थोड़ा सा जो है वो गोल्ड कलर के साथ सेट करूंगी, ठीक है। तो अब जिसका शेड है ये वाला, थोड़ा सा डार्कर डीपर सा, इसके साथ में इसको थोड़ा सा जो है वो कॉम्बिनेट कर रही हूँ। सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस लुक, सो शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस लुक, और यस टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।